तो करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाबार्ड योजना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। रिकॉर्ड में इट स्टार्ट्स विद NBBLS नाबार्ड भोपाल नंबर 10, दैट इज माय प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर, सो आई ऑलवेज रिमेंबर भोपाल। नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। रिक्वेस्ट चेयरमैन सर टू गिव हिज स्पीच। नमस्कार साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी और व्यवसाय मंत्री चीफ सेक्रेटरी साहब, नाबार्ड का सीनियर एग्जीक्यूटिव राजीव फ्रॉम होम एंड दुष्यंत चौहान एंड अदर्स और मेरा साथी सूर्य कुमार, ये बड़ा हर्ष की बात है साहब, हम आपसे मुलाकात हो रहा है। ये रूबारू नहीं है बट वी सी थ्रू रूबारू कर रहा है, बट इन दैट वे इट इज वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर टॉकिंग टू यू। और जैसा सब लोग बता रहे थे, ये मध्य प्रदेश देश का दिल है और मे बी हार्ट टाइप ऑफ ए थिंग। और लेकिन मैं एक्चुअली बहुत सा दिन लखनऊ में दिल्ली में काम किया था, उस टाइम मध्य प्रदेश में बहुत सा डिस्ट्रिक्ट्स में काम भी एक स्टडीज में या मे बी प्रोग्राम्स में आया था, उसमें सतना में था, देन जबलपुर, होशंगाबाद, मे बी नरसिंहगढ़, एवरी प्लेस एंड ऑल्सो जबुआ, इंदौर, सो मेनी प्लेस, होशंगाबाद में आ गया, सेहोर में आ गया। तो ये सब चीज देखने के बाद मुझे ये की लगता है दैट मध्य प्रदेश में बहुत सा स्कोप है, पर्टिकुलरली कृषि का क्षेत्र में। और अगर मैं पूरा स्टैटिस्टिक्स देख लिया तो देश में आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जीडीपी में 17% इज एग्रीकल्चर, लेकिन मध्य प्रदेश का 38% और सो इज द एग्रीकल्चर। सो दिस प्रूव्स दैट मध्य प्रदेश इज स्टिल हैविंग मे बी दैट एग्री एज द बेस आर द मेजर काइंड ऑफ ए एक्टिविटी देयर। एंड ऑल्सो दैट इफ यू लुक इन टू द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 69% ऑफ द पॉपुलेशन वो मे बी एक कृषि अनुसंधान में काम करता है, कृषि में और उसका अदर एक्टिविटीज। सो ये सब देखने के बाद हमें लगता है दैट नाबार्ड का रोल और भी बहुत ज्यादा करने का चांस है इधर, क्योंकि आप पिछले 15 साल में जब आप पहले बार चीफ मिनिस्टर थे, वो 15 साल में मध्य प्रदेश में इतना इरिगेशन का डेवलपमेंट कर दिया, तो शायद उसका पहले कभी मध्य प्रदेश में इतना इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। और उसका वजह से एक भी, और उस टाइम हम स्टैटिस्टिक्स भी देखता था दैट मे बी पूरा देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ वॉज ग्रोइंग एट मे बी अराउंड 4% और 3% ऑन एन एवरेज, बट थिंग इज मध्य प्रदेश कंटिन्यूअसली वॉज देयर अराउंड 10.5 मे बी 10-12% रेंज में। सो दैट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि फॉर सच काइंड ऑफ ए स्टेट टू कम फर्स्ट इन टू द काइंड ऑफ ए डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ हम वही टाइम में देखा था जस्ट जैसा ये फार्मर्स का एजुकेशन जो ये प्याज का और उसको नहीं मिल रहा था प्राइस, बट वो उसका नतीजा अभी हम देख लिया तो बिकॉज जो डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ था उसका वजह से अभी एपीएमसी एक्ट का पूरा अमेंडमेंट्स आ गया। माय इसके मे बी आई कैन से दैट मध्य प्रदेश हैज सेट ए ट्रेंड मे बी फॉर दिस मार्केट रिफॉर्म्स, क्योंकि अदरवाइज शायद इतना रिफॉर्म्स इतना जल्दी होता ही नहीं था, बिकॉज अदरवाइज पिछले 15-20 साल से यही काम चल रहा था। लेकिन जैसा आपने मध्य प्रदेश में इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया उसका वजह से मार्केटिंग लिंक्स के एस्टैब्लिश करने के लिए एक ऐसा इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। और अभी ये माननीय प्रधानमंत्री ने ये ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आया था, उसका वजह से नाउ सडनली प्राइस डिस्कवरी हैज बिकम ए वेरी बिग काइंड ऑफ ए इंसेंटिव टू द फार्मर्स टू कल्टिवेट व्हाट एवर दे वांट। सो ये एक बढ़िया चीज है सर, हम आपसे तहरीर से मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश का वजह से ही मुझे लगता है एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट आ गया। सो दिस इज देयर एंड ऑल्सो दैट मेनी ऑफ द थिंग्स विच यू आर डूइंग इन स्टेट, पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मे बी द इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, दे आर ऑल हैविंग ए सैल्यूटरी इफेक्ट। और इसमें अभी हमारा 2-4 चीज में ऊपर मैं आपसे अनुरोध करता हूं और मेरा एक विनती भी है, कुछ चीजों में आपका अटेंशन आई वांट यू टू गिव इट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 39th फाउंडेशन डे का टाइम में 3-4 अहम मुद्दे के ऊपर विचार कर दिया और उसके ऊपर हम नया एक सर्कुलर्स भी लाया सर। अभी पहले चीज है एक वाटरशेड डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश में भी हम देख लिया तो करीब से 50 वाटरशेड्स का डेवलप कर दिया नाबार्ड ने और गवर्नमेंट का भी हो गया होगा, और देर आर TDF प्रोजेक्ट्स भी है। ये वाटरशेड्स और TDF प्रोजेक्ट्स जिसमें नाबार्ड का काम हुआ था 1.2 लाख हेक्टर्स में,
हम अभी एक नया स्कीम लागू कर दिया सर, दैट जस्ट 3% इंटरेस्ट में कोई भी वाटरशेड एरिया में जो जियो फेंसिंग करने के बाद कुछ भी एक्टिविटी हो वो एरिया में 3% इंटरेस्ट में हमारा रिफाइनल देने का हम ऑलरेडी एक सर्कुलर इश्यू कर दिया कल। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप विशेष रूप से बैंकर्स को ये थोड़ा ये भी ना लेके जाने का, एंड मे बी ना वी शुड एडवाइज देम द बैंकर्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वन, बिकॉज ये फार्मर्स के लिए बहुत लाभदायक है। एंड द नेक्स्ट वन इज विथ रिगार्ड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट करीब से 4,500 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है और उसमें ऑलमोस्ट 2,500 आर इन ए वेरी गुड शेप। और इसके लिए हमने एक नया स्कीम लेके आया था, पैक्स एज मल्टी सर्विस सेंटर्स और मल्टी सर्विस सोसाइटीज वी वॉन्ट टू ब्रिंग। इसमें ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कैन हैव देयर ओन गोडाउन, कोल्ड स्टोरेजेस, और मे बी द प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, और मे बी बैंकिंग काउंटर्स आर एनीथिंग। इसके लिए हम हर एक सोसाइटी का 1 करोड़ तक लोन देने का, दैट टू एट ए वेरी चीप रेट, मे बी अराउंड 3% में लोन देने का हमने ऑलरेडी ऐलान कर दिया। और कोऑपरेटिव बैंक्स और मे बी सीसीबीज दोनों आई थिंक दे हैव टू कीप ए वेरी लिटिल मार्जिन एट द मैक्सिमम 4% के रूप में, मे बी दे हैव टू पास ऑन दिस अमाउंट टू द प्राइमरी सोसाइटीज। अगर ये हो गया तो सर मुझे लगता है दैट मे बी दैट एग्रीकल्चर का मे बी ए डेवलपमेंट में द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गोइंग टू प्ले ए वेरी मेजर रोल। और मेरा पूरा उम्मीद है आपका नेतृत्व में तो ये होने वाला है। और मोर ओवर ये गवर्नमेंट का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF करके नया एक स्कीम आ रहा था, और उसमें भी अगर आप देख लिया तो उसमें 3% का एक इंटरेस्ट सबवेंशन दे आर गिविंग। अगर ये हमारा स्कीम में अगर वो स्कीम का अगर डोवटेल करने का हम कोशिश किया तो शायद ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मे बी 1 या 2% से ज्यादा से इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, तो इसका वजह से एक सस्टेनेबल और वेरी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपसे मेरा ये विनती है आप थोड़ा इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देके कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिवाइव करना और कोऑपरेटिव बैंक से रिवाइव करना एक बड़ा काम से के रूप में आप मे बी यू कैन गाइड द पीपल सर। एंड द अदर वन इज विथ रिगार्ड टू अवर मे बी द कोऑपरेटिव का बारे में एक कंप्यूटराइजेशन प्राइमरी सोसाइटीज का। अभी आपको शायद प्रॉब्ली यू मे बी नोइंग दैट CCBs का कंप्यूटराइजेशन हो गया, अपेक्स बैंक का कंप्यूटराइजेशन हो गया, और आपका स्टेट में मे बी ऑलमोस्ट क्लोज अराउंड 28 बैंक्स आर इन ए गुड शेप, बट एट द सेम टाइम ये प्राइमरी सोसाइटीज का कंप्यूटराइजेशन हुआ ही नहीं है। तो इसका वजह से हमने एक ऐसा स्कीम कर दिया सर हमारा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड से, थोड़ा कुछ फंड हमने ग्रांट रूप में देंगे लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सिस्टम से अगर वो थोड़ा फंड दिया तो देन एक्चुअली कंप्यूटराइजेशन करने का एक करना है, बिकॉज वो बहुत जरूरी है आज का दिन में। बिकॉज ए DBT आने के बाद बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे पूछता है वेदर DBT कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर सकते हैं क्या, CCBs कर सकते हैं करके। तो इसका वजह से थोड़ा एक ये कंप्यूटराइजेशन करना, क्योंकि अभी हम तेलंगाना में देखा है तो पूरा कंप्यूटराइजेशन कर दिया पैक्स का, तो दे आर थ्रू इंटरफेस वो CBS ऑफ CCB से पूरा डेटा लेके आ रहे हैं। अगर ये कर दिया तो सर दैट इमीडिएटली कोऑपरेटिव विल बिकम वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ ए थिंग। तो ये हमारा एक तीसरा ये है सर। और फोर्थ है एक हमारा ई शक्ति प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको मालूम है अभी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये बहुत बड़ा ये हो गया था, उसका वजह से बहुत सा महिला ने दे आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट पूरा। में आज का दिन 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और 10 गुना कम है। तो मैं आपसे विनती करता हूं थोड़ा एक इसके में भी थोड़ा विशेष रूप से यू कैन जस्ट सिंपली गिव सम काइंड ऑफ ए डायरेक्शन टू द मेरे पीपल हु आर वर्किंग देयर। और ये इस सिलसिले में हमने एक ई शक्ति करके एक प्लेटफॉर्म लागू कर दिया।
ये ई शक्ति प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी 7 लाख ग्रुप हमने कर दिया, ये फ्री प्लेटफॉर्म नाबार्ड इज डूइंग। इसका वजह से क्या हो गया सर, दैट ये ग्रुप का रेटिंग ऑटोमेटिक होता है, हर महीने ग्रुप का रेटिंग होता रहता है मोमेंट दैट डेटा इज इनपुटेड। तो उसका वजह से बैंकर्स का बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है ये ग्रुप्स में पैसा देने का, ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी ग्रुप्स को अगर इसमें लेके आया तो बहुत बढ़िया फायदा होता है सर। सो ये भी एक हमारा अनुरोध है। और मोर ओवर RIDF का आज का दिन ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट, जैसा सूर्य कुमार बताया था, वी हैव सैंक्शन, और रिमेनिंग 3 प्रोजेक्ट्स आपने जो नेडा के कर दिया तो वो भी हम मैं भी शॉर्टली करने वाला है। तो ये सब देखने के बाद हमें लगता है दैट आपका नेतृत्व में बहुत सा मे बी प्रगति होने वाला है इन दिस मे बी नाबार्ड कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे लगता है दैट वी आर विथ मे बी द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये सब ये दिल का धड़कन है, जैसा आप बताए तो मध्य प्रदेश अगर देश का दिल है तो हम बताए ये नाबार्ड का दिल का धड़कन है ये मध्य प्रदेश। सो वी आर विलिंग टू स्टैंड बाई यू सर एंड मे बी डू वट एवर मोर वी कैन डू। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड we would like to cooperate with you in the days to come. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और धन्यवाद विशेष रूप से हमारा आग्रह स्वीकार करने के लिए कि हिंदी में आप बोलें। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से कुछ चीजों का अनावरण और विमोचन कराना चाहूंगा, आदेश अगर आपका हो तो। सबसे पहले सर, जैसा हमारे चेयरमैन सर ने और डीएमडी सर ने बोला कि RIDF में सर 2.75% रेट पे ये 1425 करोड़ का जो आज लोन सैंक्शन किया है, उससे करीब 220 गांव के किसानों को 57,400 हेक्टेयर सिंचाई प्राप्त होगी जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको करनों से ये थैंक यू। स्थापना दिवस माह में सर, स्थापना दिवस के इस माह में हमने 24 करोड़ के अनुदान राशियां विभिन्न चीजों के लिए, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए भी कुछ कार्यक्रम है ताकि वो उनको यहाँ पर रोजगार मुहैया हो सके। साथ ही साथ अभी जैसे हमारे चेयरमैन सर कह रहे थे सर, ई शक्ति के लिए मध्य प्रदेश हमारा पहला प्रदेश होगा जिसमें नाबार्ड और SRLM पूरे 52 जिलों में ये ई शक्ति प्लेटफॉर्म इसमें काम कर रहे हैं, और उसके लिए 16 करोड़ का जो आज हमने सैंक्शन किया है SRLM को, ताकि ये काम पूरा हो सके। और कुल मिलाकर ये 23,81,00,000 के जो हमारे अनुदान के तमाम सैंक्शन है उनको एक जगह हमने कर दिया था कि समय का अभाव। सर, नाबार्ड ने पिछले सालों से जितना काम किया उसको हमने कॉफी टेबल बुक में संकलित किया है, आपसे निवेदन है कि उसका अनावरण कर दें। Thank you.
नाबार्ड के द्वारा इस पर और काम करने की कोशिश करी कि सभी जिलों से हमने अपने जिला विकास प्रबंधकों द्वारा ये कोशिश करी कि जो हमारे कृषक हैं जो एक अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड खेती या कुछ नया काम कर रहे हैं तो उनका सबका डिटेल मंगाया और करीब 40 हमारे पास केस आए, उसमें से 5 को छांट कर हमने मॉडल बैंकेबल स्कीम बनाई है कि बैंकर्स हमारे ये बोलते हैं कि सब नया स्कीम नहीं मिलता हमको कुछ करने को, तो वो मॉडल बैंकेबल स्कीम है जो 5 बनाई है और बैंक हमारे मोहरकर जी जो SLBC के कन्वीनर हैं वो आज जुड़े हुए हैं, तो ये हम सारे बैंक्स को भेज रहे हैं और ऐसा विश्वास है कि जल्द ही नए कामों के लिए भी बैंक अपने ऋण प्रदान करेंगे। और कर नहीं एक इधर दे सर आप लोग और क्या एक से वो फंड मैनेजमेंट सिस्टम से वो तो एक क्लिक कर रहे सर पिछली बार जब आपने स्व सहायता समूह की समीक्षा की थी तो आपने चीफ मिनिस्टर ने निर्देश दिए थे कि इनकी कंप्यूटराइज प्रणाली बनाई जाए ताकि जो इसका फंड मैनेजमेंट जो है व्यवस्थित तरीके से हो सके। आज की तारीख में सर ये है कि प्रतिवर्ष राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न बैंक खातों में बिना उपयोग की धनराशि शेष रह जाती है सर, और वार्षिक कार्य योजना में प्रदत्त बजट के अनुसार व्यय भी नहीं हो पाता है, PPA व्यवस्था के कारण भुगतान में विलंब होता है और फंड में भी कृत्रिम रूप से कमी प्रदर्शित होती है और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो आप लोग चाह रहे थे सर वो नहीं हो पा रही थी सर, तो और उसी के कारण यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजने में भी हमें बहुत समय लगता था सर, और फंड मैनेजमेंट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते थे सर हम लोग, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही प्रविष्टि अलग अलग सॉफ्टवेयर में करनी पड़ती थी। ये जो नई व्यवस्था की है उसमें राज्य स्तर पर एकल बैंक खाता रहेगा सर, और जो भी वार्षिक कार्य योजना है बजट और फंड फ्लो के प्रबंधन के लिए वास्तविक समय में रियल टाइम में हम लोग क्रियान्वयन कर सकेंगे और फंड फ्लो की जो जानकारी है वो भी रियल टाइम में पता लगेगी सर, सभी प्रकार की रिसीट्स और जितने भी पेमेंट्स हैं उनके लिए एक सिंगल विंडो गेटवे रहेगा सर, और केंद्रीय योजना और राज्य योजनाओं के फंड मैनेजमेंट के लिए एक ही सॉफ्टवेयर में प्रावधान रहेगा ताकि फंड उपलब्धता और उपयोग की वास्तविक समय की जानकारी हमें मिले और MIS और डैशबोर्ड पर सारी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सर, वो आज उसका आपसे सर वापस लौटा है वापस सर, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ करीब 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, वेबकास्टिंग यूट्यूब फेसबुक और कम्युनिटी रेडियो के थ्रू करीब 75,000 से ज्यादा लोग ये लाइव आपके दिशा निर्देश सुन रहे हैं। सर सीहोर से हमारे साथ कुछ FPO और SHG के लोग हैं, तो मेरा निवेदन है कि रेवा किसान उत्पादक संगठन है ये FPO जिसमें करीब 535 किसान हमारे कृषक भाई मेंबर हैं और करीब करीब 1 करोड़ का उनका वार्षिक टर्नओवर और 7 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष उनकी आय है, तो वहां से श्री प्रकाश मीणा जी आप से कुछ वार्ता करना चाहेंगे और आप अगर बात जो भी सवाल करें वो बताएंगे। सीहोर से रेवा किसान उत्पादक संगठन के श्री प्रकाश मीणा जी नमस्कार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और नाबार्ड के पदाधिकारीगण सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश मीणा रेवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में CEO के पद पर कार्यरत हूँ सर। रेवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सीहोर ब्लॉक में जो है ग्राम जमुनिया में स्थित है और ये नाबार्ड के सहयोग से 2011 में 13 दिसंबर रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें मुख्य रूप से प्रेरक की भूमिका निभाई गई स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति द्वारा इसमें निभाई गई है सर। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीहोर ने जो काम किया है किसानों को लेकर, तो उसमें शुरू में हमारे जो मेंबर्स थे कंपनी के वो 100 किसानों ने हमने मिलकर उसको स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हमने किसानों के साथ में
कई तरह की एक्टिविटी की है। एक्टिविटी के बारे में प्रकाश बता दे जी सर। इसमें हमने एक तो जैविक खेती को लेकर इसमें काम किया है, दूसरा सीड में हमने काम किया है, और अभी वर्तमान में हमारे जो किसान हैं वो 786 के आसपास हो गए हैं। इसमें जो है हम लोग अभी एक्टिविटी मेन कर रहे हैं किसानों के साथ में, एक तो उनको बेसिकली फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी उनको उपलब्ध कराते हैं। दूसरा इस बार हम लोगों ने किसानों का जो परचेस किया सर, जिसमें हमने एफपीओ के माध्यम से 118 किसानों का गेहूं परचेस किया और उसको हमने रिलायंस को 2110 के रेट में सेल किया, जिसमें किसानों को सीधी उसमें रेट अच्छा मिला और आसानी से उनका जो है वो गेहूं वहां पे सप्लाई हो गया। इसी के साथ में हम लोग जो जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो जो रासायनिक उत्पाद जो आते हैं खाद है उसको कम कर रहे सर। क्या सर, जैविक खेती में हमारे पास में अभी 37 किसान सर यहाँ पर, किसान हमारे जैविक खेती कर, हाँ उसमें सब्जी उत्पादन है, सब्जी उत्पादन मुख्य रूप से करते सर, और उसमें 2-3 किसान जो है वो गेहूं का उत्पादन करते हैं। इसी के साथ में हमने हमारे जो मेंबर्स हैं उनको दूध के व्यवसाय से जोड़ा है, जिसमें हम लोग ने पंजाब हरियाणा और राजस्थान से अलग अलग राज्यों से उनको भैंस लाकर यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, जो कि कम रेट पर मिलती है और दूध की दर उनकी अच्छी होती है, काफ़ी समय तक तो दूध देती है। उसका दूध का कलेक्शन भी हम लोग एफपीओ में करते हैं और उसको जो सुद्धम डेयरी है उसमें हम लोग उसको सप्लाई करते हैं सर। इसी के साथ उनको कम रेट पर, क्योंकि समय की सीमा है, आपके सामने कोई समस्या हो तो या आप इच्छा हो तो वो और बता दें। सर इच्छा तो ये है कि अधिक से अधिक किसानों को जो है लाभ पहुंचाना है, और उसमें अभी हम लोगों को सर एक समस्या थी बैंक फाइनेंस की, तो उसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने जो है वो 9.5 लाख का सीसी लिमिट किया है, पर उसमें क्या है कि सर अब किसान जो हमारे ज़्यादा हैं उनकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है कि पर्याप्त जो हमको फंड नहीं मिल पाता है, तो प्रॉब्लम बहुत आती है उसमें। दूसरा क्या है कि गोडाउन के लिए हम लोगों ने आवेदन किया है, तो एक गोडाउन की समस्या थी, हो सकता है आपके सहयोग से वो भी पूरी हो जाएगी सर। और इसी के साथ मैं एक अनुग्रह करूंगा कि आप कृपया कभी आप सीओर आए सर, एफपीओ में जरूर आए सर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मैं अभिनंदनीय है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि, और अभी हमने देखा कृषि क्षेत्र में जो आपने मध्यप्रदेश की उपलब्धियां देखी हैं, हमने 24% तक ग्रोथ पिछले वर्षों में हासिल की है, एग्रीकल्चर ग्रोथ। सामान्य तौर पर 2-3% अगर कृषि विकास दर है तो उसको देश में आइडियल माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने लगातार कई वर्षों तक 18%, 19%, 20%, 24% तक हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट गई, कृषि विकास की हमारी दर गई है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ये अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन चमत्कार हम इसलिए कर पाए कि हमने किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने के लिए सिंचाई की योजनाओं पर विशेष रूप से काम किया। हमने चाहे वो एनवीडीए की परियोजनाएं हो, सिंचाई विभाग की परियोजनाएं हो, वाटर सेट्स जैसी स्कीम्स हो, माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हो, उन सब पर बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास किया। लेकिन उस काम में भी नाबार्ड का हमको अभूतपूर्व अतुलनीय सहयोग मिला। अगर हम हमारी इरिगेशन की जो क्षमता है सिंचाई की 7.5 लाख हेक्टर से बढ़ा के 41-42 लाख हेक्टर कर पाए, तो इसमें भी नाबार्ड के सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और हम जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, एक विजनरी लीडर है वो, मैन ऑफ आइडियाज, अलग अलग तरह के आइडियाज लगातार उनके दिमाग में आते हैं, और एक ही जुनून और जज्बा है उनका, देश की समृद्धि और विकास। उनने अभी एक कोरोना के संकट के समय एक बात कही थी कि यह संकट तो है, चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को हम अवसर बना सकते हैं।
और चुनौती को अवसर बनाना है, इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया, संकल्प लिया और मध्य प्रदेश का भी संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, लोकल को वोकल बनाने की बात कही। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी बात कर रहे थे, अभी ठेठ देहात में रहने वाली हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही है। अभी हम सुन रहे थे, अगर इनको थोड़ा और सहयोग और सहारा मिल जाए, बैंक लिंकेज का सवाल है, और ये बात आपने सही कही अध्यक्ष महोदय कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करने के लिए, मैं यहां बैठी टीम से भी कहना चाहता हूं, एसीएल और बाकी सबसे, जिसकी तरफ चिंताला जी ने ध्यान दिलाया है, हमको बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर पर समूह हम राशि देखें तो ये नगण्य सी नजर आती है। बैलवाल भी यहां बैठे हैं, इन्होंने आजीव कमीशन में काफी काम किया, इसलिए मैं इनको फिर ले आया। अभी हमको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर ढंग से स्ट्रेंथन कर दें, बैंक लिंकेज, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इसके काम को ढंग से कर दिया जाए, तो लोकल को तो वोकल यही बना देंगे। और इसलिए इस दिशा में चार परसेंट लोन देगा, ये फैसला हमने किया, इससे बाकी प्रदेश की सरकार भरेगी। तो अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी हमको स्ट्रेंथन करने का प्रयास करना पड़ेगा। उसमें नाबार्ड का जो सहयोग मिल रहा है और जो अपेक्षित है, मुझे लगता है वो भी मिलेगा, लेकिन हमको और ताकत से काम करने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में अभी भी बहुत संभावना है। अब मध्यप्रदेश की तो जो कुल मिला के हमारी जीडीपी है उसमें 38% 37% अगर हिस्सा किसी का है तो हमारी कृषि का है। उसलिए कोरोना काल में भी हम घबराए नहीं, क्योंकि तो किसानों ने बंपर उत्पादन किया और 1,29,00,000 मीट्रिक टन तो हमने गेहूं खरीदा है, देश के अन्न के भंडार भर दिए, चना, सरसों, मसूर सबका बंपर, मूंग बंपर उत्पादन हुआ है। लेकिन अभी भी और काम करने की जरूरत है। खेती की जान है सिंचाई। मैं आज आपको धन्यवाद देता हूं, आपने नई सिंचाई की परियोजना के लिए फिर हमारी सहायता की है। ये एनवीडीए की जो हमारी 1424 करोड़ रुपए की परियोजना है, झाबुआ पेटलावत सरदारपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना, आज ही आपने इसकी स्वीकृति दी है। और इसके साथ साथ एनवीडीए की परियोजना नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना, अपर नर्मदा परियोजना, बदनाबर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, इनके लिए भी आपने जो आज ही लगभग 4,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर अगर मध्य प्रदेश को बनना है, देश को बनना है, तो हमारा देश बिना खेती के नहीं बन सकता, बिना किसानों के नहीं बन सकता, और खेती बिना सिंचाई के हो नहीं सकती। और ये मध्य प्रदेश का संकल्प, हम अपनी एक एक इंच जमीन तक पानी पहुंचाने के प्रभावी प्रयास करेंगे। जहां बड़ी सिंचाई की योजना नहीं बनेगी वहां छोटी बनाएंगे, छोटी से भी अगर और दिक्कत है तो हम खेत तालाब से लेके वाटर हार्वेस्टिंग तक के सारे प्रयास करेंगे। क्योंकि खेती
के लिए पानी जीवन है, वैसे तो जल सबके लिए जीवन है, जल ही जीवन है। उस दिशा में लगातार मध्य प्रदेश के प्रयास जारी रहेंगे। कृषि के साथ साथ हमने पशुपालन जैसी गतिविधियों को भी और तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। मुर्गी पालन जैसे क्षेत्र में भी हमारे मध्य प्रदेश के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल किया है। अभी भले कोविड के समय नुकसान हो गया हो, नहीं तो केसला का हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम करते थे करते हैं अभी भी, को थोड़ा नुकसान उनको अभी हुआ है। उनका टर्नओवर ही वार्षिक टर्नओवर 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। तो ये बहुत संभावना है इस क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश की प्राथमिकता भी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, खेती के साथ किसान उत्पादक संघों और हमारे यहां फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बड़ी तेजी से बेहतर काम कर रही है। बीच में बिचौलियों को भी हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे फार्मर प्रोड्यूसर जो ग्रुप्स हैं उनके किसान ग्रेडिंग का, सॉर्टिंग का, पैकेजिंग का काम करके, एक किसान का नहीं समूह का और समूह का अलावा बाहर से भी खरीद के उसको बाहर भेज के बेच के ज्यादा लाभ कमाने का अभियान चलाए हुए हम उस दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपका सहयोग लगातार उस दिशा में भी हमको चाहिए। मैं मुख्य रूप से आपने जो चार नई चीजें आज बताई हमें, कोरोना काल में नए आइडियाज आप लोगों को भी आए, मध्य प्रदेश ने भी काफी प्रयास किए, हमारे जो लौटे हुए मजदूर हैं उनमें से कई स्किल्ड है, वो काम जानते हैं, हुनर है उनके हाथों में, और हमने एक रोजगार सेतु पोर्टल बनाया और उस पोर्टल पे हमने ये प्रयास किया, एक तरफ जो काम जानते हैं स्किल्ड मैन पावर क्या है हमारे पास उनके नाम उनकी संख्या, और दूसरी तरफ जिनको काम के लिए मजदूर चाहिए क्योंकि कहीं को स्किल्ड लोग मिल नहीं रहे, फैक्ट्रीज को, बिल्डर्स को, या हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो रोजगार सेतु पोर्टल ने इनको जोड़ने का काम किया। लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिनके हाथों में हुनर है, अगर थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए तो अपना काम धंधा शुरू करके दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, इसलिए उनको भी हम मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई, फिर से उनके काम धंधे को रिवाइव करने के लिए उस योजना को हमने तेजी से क्रियान्वित किया। 10,000 रुपया बिना ब्याज के अगर मिल जाए, सरकार गारंटी ले ले, तो सड़क पर व्यवसाय करने वाले या नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ये छोटे छोटे व्यवसाय में लगे लोग ये काफी मजबूत होकर उभर सकते हैं। आपने जो चार अपेक्षाएं की है मैं दोहराना नहीं चाहता। बार्टर सेट के क्षेत्र में हमारे जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, गोडाउन इत्यादि के लिए जो 1 करोड़ रुपए तक के लोन की बात कही है, और सोसाइटियों का कंप्यूटराइजेशन की बात कही है, वो हमारी प्राथमिकता है। उस दिशा में हम काम शुरू कर चुके, हमारे सहकारिता मंत्री भी यहां बैठे, तेजी से हमारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन करना पड़ेगा। कई बार बिना कंप्यूटराइजेशन के गड़बड़ें भी होती रहती, वो गड़बड़े पकड़ में नहीं आते। कई बार तो ऐसे मामले सामने आते हैं कि किसी के नाम पर लोन निकाल लिया, पता ही नहीं चला, और बाद में जब उसके पास लोन वसूली के लिए नोटिस गए तब पता चला कि इनके नाम पर लोन निकल गया।
हमने हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स को, जिला सहकारी बैंकों को काफी कंप्यूटराइजेशन करके काफी ठीक किया है। अब हम ये प्राथमिक जो हमारी सहकारी समितियां हैं उन तक भी हम पहुंचेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ई शक्ति प्लेटफॉर्म का भी हम बेहतर इस्तेमाल करेंगे। नाम नाबार्ड का हर संभव सहयोग मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। और जैसा प्रारंभ में ही हमने कहा कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, और दिल अगर ठीक धड़कता है तो सारी धमनियों में रक्त ठीक से पहुंचता है और शरीर ठीक काम करता है। आप दिल को मजबूत करने के प्रयास करते रहिए नाबार्ड के माध्यम से, और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी तरफ से अतुल्य योगदान देगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक ड्राफ्ट हम तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे, आपकी टीम से भी नाबार्ड की ये आग्रह करता हूं कि इस संबंध में आपके सुझाव हों तो वो सुझाव भी हमें जरूर भेजिए। चार चीजें आपने कही है वो हमने नोट किए, लेकिन और आइडियाज अगर आपके दिमाग में हो तो वो भी हम शेयर करेंगे ताकि हम उसको अपने ड्राफ्ट में सम्मिलित कर सकें और वो एक रोड मैप होगा मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का। और अंत में मुझे अभी पता चला है कि चिंताला जी आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन मैं आपको थैंक यू सर, थैंक यू सर बधाई देता हूं। तुम जियो हजारों साल, हजारों तो नहीं कह सकते हम, लेकिन सैकड़ा तो पार करो। और नाबार्ड के माध्यम से भी देश की सेवा करें और बाद में रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा में लगे रहें। Thank अब मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सा जन्मदिन है आपका। लेकिन लगातार नाबार्ड के माध्यम से आप सेवा करते रहें। एक बार फिर 39वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। एक जमीन से जुड़े हुए पॉलिटिशियन से सुन के हमको बहुत मजा मिलता है, क्योंकि कितना आइडियाज आता है करके। सो आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग सच एन आइडियाज। थैंक यू सर। सर आपका आदेश जरूर करेंगे और पूरा हम जहाँ तक आइडिया का, और सर एक छोटा सा जानकारी देना चाह रहे हैं कि अपने प्रदेश के 7 जिलों की विभिन्न चीजें जैसे शरबती गेहूँ सीहोर से, रीवा से सुंदरगढ़ आम और जबलपुर का स्टोन, ये हमने जीआई टैगिंग के लिए ऑलरेडी नाबार्ड की तरफ से अप्लाई करा है और वर्ष के अंत तक इसका जीआई टैग हो जाएगा। तो केवल देश में नहीं विदेशों में भी इनकी ख्याति पहुंचेगी और इनमें जुड़े हुए लोगों को क्रय विक्रय से संबंधित चीजें मिलेगी। अब मैं अंत में अपने उप महाप्रबंधक श्री गौतम सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय को हमारी तरफ से आज नाबार्ड का स्थापना दिवस पे मेमेंटो छोटा सा जो हमने बनवाया है, कारीगरों से ही बनवाया है, वो प्रदान करें। मैं उप महाप्रबंधक अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सहकारिता मंत्री जी को मेमेंटो प्रदान करें। मैं गौतम सिंह से पुनः आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री कृषि कमल पटेल जी को मेमेंटो देके हम सबको अनुग्रहित करें। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नाबार्ड अध्यक्ष की तरफ से और पूरे नाबार्ड परिवार की तरफ से सर ये अशोक स्तंभ हम सभी को तरफ से देते हैं। धन्यवाद।